ध्यान देंगे। आज से भाई और बहन का एक महान त्योहार, महान पर्व आरंभ हुआ है, है ना, कर्मा, जो कि हर बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र मांगती है। ध्यान देंगे। नारी बड़ी महान होती है। नारी के कितने अवतार हैं, एक नारी के कितने अवतार हैं, जब वो छोटी सी रहती है तो किसी की बेटी बनकर के रहती है, थोड़ी बड़ी होती है तो बहन बन जाती है, उससे आगे बढ़ती है तो किसी की पत्नी बन जाती है, उसके आगे बढ़ती है तो किसी की माँ बन जाती है, उसके आगे बढ़ती है तो वो फिर किसी की दादी बन जाती है। एक नारी के कितने रूप हैं, और नारी जब तक संसार में जीती है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, उस परमात्मा से, माता भगवती से, माता दुर्गा से, बाबा भोलेनाथ से अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ही जीवन मांग, यानी जीवन भर मांगती रहती है कि मेरा मायके भरा रहे, मेरा भाई भतीजा, मेरा बेटा, मेरा पोता हमेशा आबाद रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, उसके जीवन में सारी खुशियां मिले, वो हमेशा अपने परिवार के लिए ही मांगती रहती है। ध्यान देंगे। उसी प्रकार आज भाई बहन का एक त्योहार आरंभ हुआ है, कर्मा त्योहार, जो आज से सात दिन चलेंगे, सातवां दिन उपवास होगा, है ना। हर बहन अपने भाई के लिए इससे पहले रक्षाबंधन बीता है, है ना। अपने लिए मांगती क्या है, भाई यानी बहन राखी भी बांधती है तो भाई की लंबी आयु की कामना करती है। आज कर्मा कर रही है तो उसमें भी अपने भाई के लिए लंबी उम्र मांग रही है। ध्यान देंगे। और क्या कहती है, अरे छोटे मोटे कर्म गाछा, है ना, अरे छोटे मोटे कर्म गाछा, अरे झपरा लही डार गो सही तार, अरे सही तार बहिन पूजा है कर्म गो सही तार, बहिन पूजा है कर्म गो सही तार, छोटे मोटे कर्म गाछा झपरा लही डार गो सही तार, हर को सही तार, हाँ सही तार, बहिन पूजा है करमा को सही तार, बहिन पूजा है करमा को सही तार, बहिन पूजा है करमा को सही तार।
बहना के तरफ से ये 100 रुपए और कर्मा में भी भोलेनाथ की ही पूजा होती है, है ना? कर्मा व्रत में भी भोलेनाथ की ही पूजा होती है, इसलिए बहन कहती है बड़ी बहन आने आवे कदिया के मटिया छोटी बाई गढ़ई शिव के मुरी।